गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राम गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधारमन हरि गोविंद जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बलराम प्रभु की जय श्री निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओम नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोभ्यासो यस्यास्य कमलगंतम वाग्मयम् अमृतम जगत्पिबती विश्वसर्गसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं परातुं कोऽपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साकृ जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्भाग राधा श्री गोविंद देव प्रेष्ठाभिः सेव्यमानो स्मरामि जयतां सुरतौरुपंगो मौ मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदां भुजौ श्री राधा मदन मोहनौ श्रीमान रास रसारंभी वंशीव तटस्थितः कर्षन वेणुस्वनै गोपी गोपीनाथ श्रीवस्तु नः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ती दयेत् वाञ्छाकल्पतभ्यश्च कृपासन्धुभ्यैव च तत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्तिमते रघुनाथदास श्रीजीव मे पुरुषमंद मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मभनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि गुरु श्रृंदाव से हरि लाल की जय। आज श्री बलराम प्रभु का आविर्भाव दिवस जन्म दिवस राखी पूर्णिमा श्रावणी श्रावणी पूर्णिमा की बहुत विशेषता और आज तो उसके साथ में एक और भी पर्व जुड़ा हुआ है भारत की स्वतंत्रता का ये 72वीं वर्षगांठ और 73वां भारतीय स्वतंत्रता दिवस तो आज का दिवस तो विशेष रूप से परंपरा है। श्री भा
आकर्षति भूमि भाव अर्थात प्रकाश ज्ञान के और श्री कृष्ण के सौंदर्य के प्रकाश में जो रथ हो उसका नाम भारत। भाव में जो रथ हो, भाव माने आभा प्रकाश, उसमें जो रथ हो उसका नाम भारत। और ये भूमि भारतवर्षी की यह सारे विश्व को अपूर्व रूप से भक्ति का, ज्ञान का और विज्ञान का, जीवन और परमार्थ दोनों का प्रकाश देने वाली ये भारतवर्ष की पावन भूमि रही। इस भारत भूमि से ही जो ज्ञान निकला उससे सारा विश्व प्रकाशित होकर के विराजमान हुआ। श्री भारतवर्ष के इस भूमि के प्रति एक राष्ट्र की जो अपूर्व भावना, वह हमारे हृदय में तब प्रकट होगी जब हम एक निश्चित भूभाव को राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र करके अनुभव करने लगे। राष्ट्र का अर्थ होता है हम भावना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वी फीलिंग, हम सब एक हैं। इस भावना से बंधे हुए, इस भावना के आधार पर जो एक संगठन है उस संगठन, उस भावना का नाम राष्ट्र है। राष्ट्र एक भावना है और राष्ट्र के तीन पक्ष होते हैं। राष्ट्र का एक पक्ष है भूमि, दूसरा पक्ष है जल और तीसरा पक्ष है संस्कृति। इन तीनों का समेकित रूप, मिला हुआ जो रूप है वह राष्ट्र कहलाता है। राष्ट्र के लिए सबसे पहले जो आवश्यक है वह है भूमि से प्रेम। एक निश्चित भौगोलिक सीमाएं, उनके सीमा के अंदर रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के हृदय में जो हम भावना हैं, हम एक हैं, हम संगठित हैं, इस भावना का नाम ही, भावना का नाम राष्ट्र है जो भूमि के साथ में जुड़ी है। और जो व्यक्ति जितना अधिक भूमि के साथ में जुड़ा रहेगा, अपनी मातृभूमि के साथ में, वह उतना ही अपने आप को राष्ट्र के अनुकूल, राष्ट्र की भावना से प्रेरित और राष्ट्र से जुड़ा हुआ अनुभव करेगा। इसे भूमि बहुत अधिक आवश्यक है। इज़राइल को बहुत समय तक एक भूमि प्राप्त नहीं थी, इसलिए इज़राइल राष्ट्र नहीं हो पाया। जब इज़राइल को एक निश्चित भूमि भाग, उसके साथ में वो जुड़ा यहूदी जाति, तब एक राष्ट्र के रूप में उसकी सत्ता बनी। तो यदि भूमि नहीं है तो सत्ता नहीं हो सकती, तो भूमि की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उस भूमि पर रहने वाले जितने भी जन हैं, उनके हृदय में ये भावना उत्पन्न होती है कि हम इस भूमि के पुत्र हैं। ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि माता भूमि, पुत्रो हम पृथ्व्या, पृथ्वी मेरी माता है, हम उसके पुत्र हैं। और वैष्णव भावना में भी यही भाव सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। जो साधक अपने उपास्य की भूमि के साथ में जितना जुड़ा जुड़ करके रहेगा, वो उपासना के क्षेत्र में भी उतनी अधिक निष्ठा और उपास्य से उतने अधिक निकट अपने आप का अनुभव करेगा। राम जी के उपासक का सहज रूप से श्री अयोध्या जी से सहज प्रेम होगा ही होगा। उनका सहज रूप से श्री नासिक से और राम भूमि से, श्री चित्रकूट से जो श्री रामचंद्र जी की लीला भूमि है, उन स्थलों से उसकी अपूर्व प्रीति होगी ही होगी। ऐसे ही जो श्री कृष्णचंद्र के साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी श्री द्वारका धाम, श्री मथुरा धाम, श्री वृंदावन धाम, इनके साथ में सहज प्रीति जुड़ी ही होगी। और जो अपने उपास्य की भूमि से जितना जुड़ करके रहेगा, वह अपने आप को उपास्य के उतने ही अधिक
निकट अनुभव करें। तो राष्ट्र के लिए पहली जो आवश्यकता है वो भूमि से प्रेम। ये भूमि हमारी वास्तव के वास्तविक अर्थ में माता होकर के विराजमान है। हमारी माँ ने हमारे मल मूत्र को सहन किया होगा 2 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्ष, पर अपने हाथ पांव के हो गए होंगे, कुछ न कुछ करने लगे होंगे। परंतु ये भूमि कितनी कृपालु है कि आज भी हमारे मल मूत्र को सहन करती है, आज भी हमको अपनी गोदी में लेकर के या अपनी छाती से लगा करके हमको सोती है। ऐसी अपनी मातृभूमि के प्रति हमारे हृदय में कहीं आदर की भावना होनी चाहिए। और माँ के लिए जैसे सारे बच्चे बराबर हैं, इसी प्रकार एक निश्चित भूभाग में रहने वाले जितने भी जन हैं उन सबों में भी समानता की भावना कहीं न कहीं होनी ही चाहिए। पृथ्वी का जो अधिकार है, माँ की जो संपत्ति है, उसके ऊपर सभी पुत्रों का समान अधिकार होगा ही, ये भाव भी कहीं ना कहीं धारण करना चाहिए। राष्ट्र के लिए दूसरी वस्तु वो आवश्यकता है, वो है जल। यदि भूमि हो और जल नहीं हो तो राष्ट्र नहीं बन सकता है। एक बार श्री परीक्षित महाराज जिस समय राज्य गद्दी के ऊपर बैठे, श्री कृष्ण का अंतर्धान हो चुका है, उन्होंने मथुरा भूमि के ऊपर श्री बज्रनाभ उनको अधीश्वर बनाया। परंतु श्री परीक्षित महाराज जिस समय मथुरा भूमि का दर्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आए, श्री बज्रनाभ जी ने उनका बड़ा स्वागत किया। परंतु कह रहे हैं, महाराज आपने मुझे कहाँ भेज दिया, मुझे जिस जगह का आपने गवर्नर बनाया है, ये जो मथुरा का जो राज्य दिया है, यहाँ पर भूमि तो है परंतु यहाँ पर मनुष्य तो है ही नहीं, यहाँ के सारे मनुष्य तो भाग गए पहले ही द्वारका, मथुरा तो उजड़ गई है, अब यहाँ इस केवल धरती को लेकर के क्या करूँ, राष्ट्र नहीं बन सकता है। उस समय बड़ी आग्रहपूर्वक उन्होंने कहा कि नहीं, जो मथुरा के मूल निवासी हैं और जो इधर उधर चले गए थे उनको हम दोबारा बुलाते हैं। और विशेष रूप से श्री परीक्षित महाराज ने मथुरा को बसाने के लिए मथुरा के पुराने ब्राह्मणों को, पुराने जितने भी व्यापारी थे जो दिल्ली में जाकर के बस गए थे इंद्रप्रस्थ में, उन इंद्रप्रस्थ के दिल्ली के लोगों को विशेष रूप से मथुरा में लाकर के, जो मथुरा के ही थे, कहीं माइग्रेट हो गए थे, उनको वापस मथुरा में ही बसाया और साथ के साथ में बंदरों को भी बसाया। इसका पुराण में वर्णन आया है कि दिल्ली से बंदर और व्यापारी और ब्राह्मण, इन तीनों को ला करके उन्होंने वापस मथुरा में बसाया और मथुरापुरी तब जाकर के राष्ट्र बनी जब वह जन से संपर्क युक्त होकर के विराजमान हुई। जन के बिना, क्योंकि मूल रूप से जितनी भी पृथ्वी की संपत्ति है उसका भोक्ता सर्वश्रेष्ठ रूप में जल ही है। उसके बाद में दूसरा जो नंबर है वो पशु पक्षियों का है। परंतु मानव सबसे ज्यादा विकसित है, इसलिए उसको इस पृथ्वी की संपत्ति को भोगने का सबसे बड़ा अधिकार है। परंतु जैसे हम पृथ्वी के पुत्र हैं, ऐसे पशु पक्षी और वृक्ष ये भी पृथ्वी के पुत्र हैं और इनका संरक्षण करना भी कहीं ना कहीं हमारा दायित्व बनता है। परंतु जन हो और जन के साथ में संस्कृति नहीं हो तो ऐसा जन केवल समाज नहीं बना सकता है, वह समझ मात्र बनाएगा, वह भीड़ को इकट्ठा कर देगा और भीड़ समाज नहीं होती। समाज उसे कहते हैं जहां एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगठित मनुष्यों का जो समूह है उसका नाम समाज है। संस्कृत में दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक समझ एक समाज। समझ का तात्पर्य है झुंड, वो पशुओं का भी हो सकता है, परंतु समाज उसे कहेंगे जहां पर
एक निश्चित उद्देश्य को लेकर चलने वाले कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, इस उद्देश्य को लेकर चलने वाले मनुष्यों का जो संगठित समाज समूह है, ऐसे संगठित सोद्देश्य समूह का नाम समाज है। और वो समाज तभी बनेगा जबकि संस्कृति होगी। संस्कृति का अर्थ है कि मानव ने कर्म के क्षेत्र में जो कुछ भी किया और उसने विचार के क्षेत्र में जो कुछ भी सोचा, उसका समय के कंसोलिडेट एक जगह समूह, उसका नाम संस्कृति है। तो हमने विचार के क्षेत्र में जो कुछ भी सोचा वो हमारी संस्कृति है, चाहे वह दर्शन हो, चाहे धर्म हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कला हो, चाहे हमारी भाषा हो, ये सब संस्कृति होकर के विराजमान हैं, जिनसे हमारे हृदय मस्तिष्क इन दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। तो जिसके द्वारा हृदय और मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व हो उसको हम संस्कृति कहेंगे। संस्कृति का ही एक पक्ष है, उसका नाम है सभ्यता। सभ्यता उसका बाहरी पक्ष है, संस्कृति उसका आंतरिक पक्ष है। जैसे एक सिक्का है तो सिक्के का जो बाहरी रूप है उसमें जो थाप लगी हुई है उसमें लिखा हुआ है 5 रुपया 1 रुपया भारत इंडिया लिखा हुआ है, अशोक चिन्ह कहीं बना हुआ है, तो उसका जो बाहरी रूप है उस बाहरी रूप को हम कहेंगे सभ्यता। परंतु उस धातु के टुकड़े में जो क्रय शक्ति है उस क्रय शक्ति का नाम है संस्कृति। तो सभ्यता और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। जो उसका बाहरी रूप है उसको हम कहेंगे सभ्यता, और जो उसका विचार पक्ष और मूल्य पक्ष है उसको हम कहेंगे संस्कृति। मूल्य के बिना वो जो सिक्का है वो सिक्का नहीं कहलाएगा, वो लोहे का टुकड़ा कहलाएगा, वो केवल धातु का टुकड़ा कहलाएगा। उसमें विचार है, उसमें क्रय शक्ति है, परचेसिंग पावर है, तो परचेसिंग पावर होने के कारण वह संस्कृति कहलाएगा, वो सिक्का कहलाएगा। इसी प्रकार यदि संस्कृति है, विचार है, तो हमारा जो जीवन है वह कहीं मूल्यवान होगा, अन्यथा वह एक जीवन का निर्वाह मात्र हो जाएगा, वह एक प्रवाह मात्र हो जाएगा। तो सभ्यता में हमारे मकान, हमारी नगरों की व्यवस्था, नगरों का संगठन, आर्किटेक्ट, हमारा अपने कपड़े पहनना, हमारा खान पान, जो एकदम बाहरी चीज, हमारे कपड़े, हमारे वस्त्र, हमारे पात्र, ये सब चीजें, इनको हम सभ्यता कहेंगे। मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, वहां पर संस्कृति नहीं है, सभ्यता माने बाहरी जो रूप है उसको हम सभ्यता कहेंगे, उसके भीतर जो विचार पक्ष है उसको हम संस्कृति कहेंगे। राष्ट्र बनता है तब जबकि संस्कृति, जिसके भीतर सभ्यता भी समाई हुई है, वह संस्कृति भी साथ में हो। संस्कृति के बिना पूरा जन ही निष्प्राण हो जाएगा, वह केवल भीड़ मात्र हो जाएगा, वह अपनी एक अपनी पहचान नहीं रख पाएगा। इसलिए राष्ट्र उसे कहेंगे जिसमें जन, जिसमें भूमि और जिसमें संस्कृति, ये तीन चीज हों। सबसे पहले भूमि, फिर भूमि में रहने वाले जन, और जन के बाद में संस्कृति। और इन तीनों की सुरक्षा और इन तीनों की सुदबुद्ध और इनका स्वस्थिवाचन करना, इनके कल्याण की भावना रखना, ये वहाँ के रहने वाले जितने भी जन हैं उनका कर्तव्य बनता है। और उस कर्तव्य पालन में जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसका बहुत बड़ा योगदान, और आज का दिन सभी भारतवासियों के लिए परम परम मंगल का दिन है, आज बधाई का दिन है। हम 73वीं स्वतंत्रता दिवस की 73वां स्वतंत्रता दिवस 72वीं वर्षगांठ मनाते हुए अपनी स्वतंत्रता की बधाई। यह हुआ एक व्यावहारिक पक्ष। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
वंदे माँ। तो माँ की भूमि की वंदना करने का आज दिन, हुतात्माओं को श्रद्धांजलि प्रदान करने का आज का दिन, ताकि जो उन्नति की वो सबके सामने। अब दूसरा जो पक्ष है आज के दिन का, वह एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण, कि आज श्रावणी है। श्रावणी का दिन उपाकर्म और श्रावणी संस्कार का दिन है। उपाकर्म का तात्पर्य है जैसे किसी ने खाया और खाने के बाद में उल्टी की जाए, कभी कभी डॉक्टर बमन करा देता है, उसको कहते हैं उपाकर्म। हमने वर्ष भर में जितने भी पाप अर्जित किए, आज श्रावणी के दिन द्विजाति गण उन पापों का प्रायश्चित करते हैं। हेमाद्री इत्यादि जो प्रायश्चित की विधि है, आज श्रावणी का दिन है और श्रावणी कर्म का जो विधि है, उस विधि में सारे पाप उनके कारण और उन कारणों का स्मरण करते हुए उन पापों का प्रायश्चित करके तीर्थ में स्नान, पंचगव्य उनका सेवन और दान इत्यादि करते हुए, व्रत करते हुए आज हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए, वर्ष भर संचित जितने भी पाप हैं उनका प्रायश्चित करते हुए, जैसे उनका त्याग कर रहे हैं, जो असद विद्या हमने ग्रहण की उस असद विद्या का भी त्याग करने का एक दिन है, और इसके बाद में फिर सद विद्या को हम ग्रहण करते हुए विराजमान होंगे। जैसे भोजनम भक्षम विषम भूमते, भोजन करते हुए भात खाते हुए विष भी खा लेता है, तो विष का त्याग करने और फिर से एक नया जो भोजन क्रम है उसको हम स्वीकार करें, ये एक पद्धति। तो श्रावणी के द्वारा श्री नव यज्ञों को भी धारण करके अपने आप को ब्रह्म के अधीन मानते हुए, ब्रह्म में श्री भगवत कृपा के परिवेश में अपने आप को विराजमान करते हुए हम मानें। 94 घंटा का यज्ञोपवीत है, उसको यज्ञोपवीत कहते हैं। यज्ञ माने ब्रह्म या भगवान, उप माने उनकी निकटता, वीत माने मैं उनसे ढका हुआ, ये हुआ यज्ञ उप वीत। यज्ञ माने भगवान, उनके निकट रहते हुए, उनकी शक्ति रहते हुए मैं उनसे ही व्याप्त होकर के विराजमान हूँ, यह है यज्ञोपवीत की भावना। यज्ञोपवीत को कहा जाता है, उसका जो सही माप है वो 94 घंटा है। चार उंगलियाँ उनको, इनके ऊपर डोरा को यह लपेटा जाए और 94 यदि लपेट ली जाए और उसको ये फैलाया जाए, तो एक व्यक्ति की जितनी लंबाई चौड़ाई है वो संपूर्ण आवृत हो जाएगी। एक तरह से प्रतीक है कि ब्रह्म संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके विराजमान है, वो एक प्रतीकात्मक है, और उसमें ये कहीं भावना स्थापित हुई कि हम ब्रह्म से ही परिवेष्टित और रक्षित होकर के विराजमान। इसलिए सब लोग आज यज्ञोपवीत श्रावणी के ऊपर यज्ञोपवीत प्रवर्तन करते हुए भी विराजमान होते हैं, उपाकर्म में तीर्थ में स्नान करते हैं, दान करते हैं, श्री भगवत चरणामृत पंचगव्य इन सबों को ग्रहण करते हुए कहीं अपने आप को पवित्रता हम धारण करते हुए विराजमान होते हैं। वो श्रावणी की कर्मकांड की एक विधि, परंतु वो भी भगवत भक्ति के लिए कहीं उपयोगी होकर के एक बढ़िया वातावरण, एटमोस्फेयर क्रिएट करती है, वातावरण निर्मित करती है। तो आज के दिन की एक दूसरी विशेषता वो श्रावणी का दिन है। श्रावणी का अवसर, ये चार उत्सवों में विशेष उत्सव और श्रावणी रक्षाबंधन का अवसर, ये कहीं जो धर्मी शक्ति है, बहन शक्ति है, उन बहन शक्ति से कहीं शक्ति को प्रेरणा प्राप्त करते हुए विराजमान, और पूरा समाज कहीं भ्रातृभाव से युक्त होकर के आगे बढ़े, ये एक मंगलमय भावना। ये सब ठीक है, दोनों भावना ये बहिर्ग है, यही बाई। आज के दिन का जो मुख्य
आंतरिक जो महिमा है वो है श्री बलदेव प्रभु का आज जन्म दिवस है, श्री बलदेव जी का। श्री जगन्नाथपुरी में आज ही श्री बलदेव उनका अभिषेक और बलदेव जन्मदिन मध्यान्ह तक वहां पर व्रत भी करते हैं श्री बलदेव का। श्री जगन्नाथ जी उनके जगन्नाथपुरी में श्री बलदेव की अत्यंत महिमा, बलदेव के दो स्वरूप हैं श्री बलदेव बलराम। एक तो समष्टि गुरु तत्व है और समष्टि गुरु तत्व की कृपा के बिना कृष्ण कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो एक तरह से गुरु तत्व की वंदना का आज दिवस है जिससे हम में गौरव आ जाए। हम हैं हल्के, हम हैं फूल की तरह से यूं ही उड़ने वाले, परंतु यदि गुरु के चरणाश्रय को ग्रहण करेंगे तो गुरु के साथ में जुड़ने पर हम भी भारी हो जाएंगे, हम भी गौरव से युक्त हो जाएंगे। जो अत्यंत हल्का है, तुच्छ है, वह गौरव से युक्त होकर के विराजमान हो जाएगा। ये गौरव की अपूर्व भावना आज गुरु तत्व की वंदना का, समष्टि गुरु की वंदना। जगन्नाथपुरी में गए तो वहाँ के जो निवासी हैं, पुराने जो मूल निवासी हैं, उन लोगों ने कहीं से समझाया, बोले भाई आप यहाँ पे आए हैं, हम आपको बताते हैं प्रणाम करने का, पहले बलदाव जी को प्रणाम करो, दंडवत किया जाएगा तो सबसे पहले बलदेव को प्रणाम किया जाएगा, क्योंकि वे गुरु तत्व हैं, उनकी कृपा से ही आगे प्रवेश होगा। फिर श्री सुभद्रा जी को प्रणाम किया जाएगा, वे योगमाया स्वरूप हैं, उनके द्वारा ही स्वरूप की प्राप्ति होगी और लीला में प्रवेश होगा। जो माया जब स्वरूप देंगी तब जाकर के लीला में प्रवेश होगा। इसके बाद में नंबर आता है श्री जगन्नाथ जी, तब कृपा प्राप्त होगी। ये तो बिना श्री बलदेव की कृपा के श्री जगन्नाथ की कृपा भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए वहां के जो स्थानीय लोग हैं वे सब बड़ ठाकुर कहकर के संबोधित करते हैं, और श्री जगन्नाथपुरी के जो पंडा और जो सेवक जन हैं मंदिर के, श्री जगन्नाथ जी की झूठी सौगंध खूब खा लेंगे, बिल्कुल संकोच दे, वो तो जगन्नाथ जी उनके साथ में मिले हुए हैं, अपने ही हैं, उनकी खूब झूठी सौगंध खा देंगे। यजमान से पैसा लेना है, यात्री से, तो सब झूठ सच कुछ बोल देंगे और झूठी सौगंध भी श्री जगन्नाथ जी की खा देंगे, परंतु बलदेव कभी नहीं। इतनी निष्ठा है वहां के जो स्थानीय जो जन है उनकी, श्री बलदेव में इतनी निष्ठा, बलदेव की सौगंध कभी। जगन्नाथ मंदिर की जितनी भी व्यवस्था है अभी भी वहां पर भावना यही है कि वो सारी व्यवस्था करने वाले श्री बलदेव, और श्री बलदेव की जो आज्ञा है बलराम की आज्ञा, वो बलराम की आज्ञा वहां पर निकल गई। पूरी मंदिर की जितनी भी व्यवस्था है वो सब श्री बलराम के आग्रह से ही और बलराम के आदेश से ही विराजमान हुए। श्री बलराम की ऐसी विशेषता, उनकी कृपा के द्वारा ही संपूर्ण भगवत भक्ति की और सेवा सुख की प्राप्ति होगी। तो बलराम का एक जो स्वरूप है श्रीमद बलराम का, रोहिणी नंदन श्री बलदेव का, वो स्वरूप है कि वे गुरु तत्व होकर के विराजमान, और उनका दूसरा जो स्वरूप है श्री बलदेव का वह है वे सेवा मूर्ति होकर के विराजमान। सेवा के बिना सब अधूरा, और जितनी भी सेवा की मूर्ति है, सेवा की जितनी भी वस्तुएं वे सब श्री बलराम के रूप में ही विराजमान हैं। श्री यमुनाचार्य भगवान रामचार्य के गुरुदेव, उनने आलोकदान स्तोत्र जहां प्रकट किया वहां पर श्री बलदेव तत्व का निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि निवास शय्यासन पादुकांशुकोपधान वर्षा तप बारण आदि भी शरीर भेद स्तवशेषतांगत यथोचितम शेष इतिरितम चले। बोले हे प्रभु, आपको शेष कहा जाता है,
तात्पर्य यह है कि सेवा की जितनी भी सामग्री है वो शेष होकर के विराजमान, आप शेष ही होकर के विराजमान, हम भी शेष हैं, शेष हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम शेषी की सेवा करते हुए विराजमान हों। हम यदि विशेषण हैं तो हमारा ये कर्तव्य है विशेष श्री प्रभु उनका हम आश्रय ग्रहण करके विराजमान हैं। हम अंश हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अंशी की सदा सेवा करते हुए विराजमान हों। और सेवा में स्वरूप सेवा के जितने भी अंश हैं वे सब श्री बलदेव ही है। तो श्री बलराम प्रभु का एक अद्भुत स्वरूप है कि सेवा में जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है श्री बलराम प्रभु वही स्वरूप धारण कर लेते हैं। कभी श्री प्रियालाल विचरण कर रहे हैं, सखारण गाय चरा रहे हैं और एकाएक वर्षा आ जाए तो श्री बलदेव ही तुरंत ही बारहधरी बन जाएंगे। अरे भैया सामने बारहधरी है, चलो 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 जल्दी वर्षा से बचने के लिए चलो, तो निवास बन जाते हैं। निवास शैया, कभी शैया की जरूरत हो तो ठाकुर जी को शयन करना है, कराना है, तो कोई सखा घर से शैया लेकर के थोड़ी गए हैं, गाय चराने के लिए गए हैं, वहां पर श्री बलदेव ही शैया बन जाए, आसन बन जाए, निवास शैया आसन पादुका बन जाए, तकिया बन करके श्री बलदेव विराजमान हो जाए, निवास शैयासन पादुका शुको उपधान, उपधान बन करके, तकिया बन करके, गद्दा बन करके विराजमान हो जाए, गद्दा और तकिया दोनों बन जाए। जो कभी पात्र बन करके, कभी श्रृंगार बन करके, कभी वस्त्र बन करके विराजमान हो जाए, निवास शैयासन पादकांश को उपधान, वर्षातप, वर्षातप माने छत्र, छत्र बन जाए और पादुक, पादुका बन करके विराजमान हो जाए। तो श्री बलदेव सर्व स्वरूप को धारण करके सेवा में, सेवा मूर्ति हो करके श्री बलराम ही विराजमान, बिना बलराम के सेवा नहीं हो सकती है। सारी वस्तुएं शेष रूप में श्री बलराम में ही, बलराम ही शेष, शेषी होने को होते हुए भी वे शेष रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करके विराजमान होते हैं और अनेक प्रकार से सेवा करते हुए श्री बलराम विराजमान होते हैं। वर्षातप बात पादुकांश भी सब स्वरूप धारण करे, शरीर भेद स्वविशेषता गति, शरीर भेद से ही अविशेष होकर के, शेष होकर के भी विराजमान, शेषी भी शेष बन करके विराजमान। इसलिए श्री बलदेव अंश से ही श्री प्रभु की सारी सेवा की जा रही है। श्रीमद बलदेव में तीन भाव विराजमान।